हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज है दसवीं और हमारे यहाँ पास में ही फौजीवाला धाम है, जहाँ बाबा श्री रामदेव जी महाराज का बहुत बड़ा मेला लगता है आज के दिन। तो वहाँ हम जा रहे थे धोख लगाने के लिए और यहाँ हम देख लिए जा रहे हैं रास्ते में, और हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, वो भी जा रहे थे। अब ये लोग वापस आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और देखिए कितनी बाइक वगैरह खड़ी हुई है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर अपने अपने सुविधा अनुसार आए हुए थे कि कोई ट्रैक्टर ट्राली, कोई कुछ लेकर के। और ये देखिए, यहाँ हम पहुँच चुके हैं मेले में। धूप वगैरह लगा करके हमने देखा मेला। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान था, ज़्यादातर बच्चों के खिलौने वगैरह थे जो कि हमने लिए थे, क्योंकि हमारे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो थे। और ये देखिए, 50-50 रुपये में जूते बेच रहे थे लोग, तो वो हमने देखे। और यहाँ पर लेडीज़ का भी सामान काफ़ी था, तो मैंने भी कुछ खरीदा था, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ आगे व्लॉग में कि मैंने क्या क्या सामान यहाँ से खरीदा था। और यहाँ पर राघव ने बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं, अपने छोटे छोटे खिलौने थे, कुछ उसने बड़े भी लिए एक दो, तो वो थे। और ये देखिए, ये झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, और राघव ने एक झूला इस पर ट्राई किया था। ये बड़े वाले तो बच्चा है, वो नहीं ले सकता था। और मेरा तो बहुत, मुझे तो बहुत डर लगता है झूलों वगैरह पर, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बैठती इन पर। और ये यहाँ पर हमने जलेबी भी खरीदी थी मम्मी के लिए, और कुछ लिए थे पकौड़े हमने खाने के लिए। तो ये पकोड़े बने हुए थे, ये भी ठीक थे, पकोड़े ठीक ठाक थे। और यहाँ पर भांग भी बनाई जा रही थी। और यहाँ पर हम सब सामान खरीद चुके हैं और अभी हम वापस घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो अभी मैंने एक कुल्फ़ी देखी, तो कुल्फ़ी खाने का मन कर गया, तो फिर मैंने कुल्फ़ी खाई। राघव ने खाया एक बर्गर, दीदी ने भी थोड़ा बहुत खाया, और फिर मैंने कहा कि चलो राघव को थोड़ा झूला दिलवा लेते हैं। तो यहाँ राघव इतना ज़्यादा डर रहा था यहाँ पर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने इसको झूला दिलवाया, पहले कभी भी इसको झूला ट्राई नहीं करवाया, तो यहाँ इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, लेकिन इसको पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डर लग रहा था। ये देखना आगे बहुत बिल्कुल ऐसा मुँह बना लेगा कि क्या ही हो गया। तो इससे कुछ था। तो मेला ज़्यादा बच्चों के लिए होता है खास, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, बहुत सारे मतलब झूले भी होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो इसीलिए हमने आज 3 बजे तक इसका वेट किया। ये स्कूल चला गया था, उसके बाद 3 बजे ये स्कूल से आया वापस, तो हमने इसका वेट किया। फिर हमने 3:30 हो चुके थे शायद, तब तक तो हम घर पर ही थे, चाय वगैरह बनाई थी, इसको चाय पिलाई, सब उसका चेंज वेंज किया, फिर हम लोग गए थे मेला देखने के लिए। तो इसको साथ में लेकर गए थे, पहले सबका जाने का प्लान था, लेकिन फिर छोटू था तो वो बहुत छोटा था, तो उसको लेके नहीं जा सकते, तो बस ऐसे करके हम दोनों ही जा पाए थे। हम दोनों जाने वाले थे सुबह सुबह, फिर मैंने सोचा चलो राघव को साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि वो घर पे आता और अगर उसको पता चलता कि हम लोग मेला देखने गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता, तो इसलिए हम उसको साथ में लेकर गए थे। और यहाँ देखिए, बड़े बड़े दो झूले लगे हुए हैं और ये राघव की हालत हो रखी है खस्ता। तो गाइज, यहाँ हमारे हो चुकी थी शाम और शाम के 6 बज चुके थे, और 6:30 तो हम घर पे पहुँच चुके थे, 6 ही बजे थे यहाँ पर, और यहाँ पर हम पहुँचे थे 4 बजे। 2 घंटे भी हमने पूरा मेला कवर कर लिया था। और गाइज, यहाँ पर एक ब्लॉगर भी आए थे, पता नहीं कौन थे, राइडर थे शायद तक, उनका ब्लॉग चैनल मुझे नहीं पता है, और उन्होंने हेलमेट वगैरह पहना हुआ था, तो उनका शक्ल वगैरह भी नहीं पता, लेकिन उनका मैंने इंस्टाग्राम आईडी अभी देखी थी सुबह, तो मुझे वो मिला, तो मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने फौजीवाला धाम की वीडियोस वगैरह शूट करके एडिट करके इंस्टा पर डाल रखी थी। तो बस ये हमने झूले वगैरह ले लिए और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। और ये देखिए, ये शाम हो चुकी है, लाइटें जल चुकी हैं, और अभी हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर अभी भी लोग काफ़ी जा रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बस ऐसे चल रहा था इस रास्ते पर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ दीदी ड्राइव कर रहे थे और हमने सब ने गर्म कपड़े पहन लिए थे, कैप वगैरह पहन ली थी, ग्राहकों को कोट वगैरह मैंने सब पहना दिया था, मैंने भी कैप पहन ली थी क्योंकि ठंड लग रही थी, कि ठंड का मौसम है और ठंड तो हो गई है, तो यहाँ पर ठंड लगने लगी थी, तो हमने सब ने पैक हो गए थे हम। और यहाँ देखिए, यहाँ सब लोग वापस जा रहे हैं, और ये गाड़ियाँ वगैरह यहाँ खड़ी थी, क्योंकि गाड़ियाँ अंदर लेके नहीं जाने दे रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और यहाँ से हम जाकर के हमने लिए थे फ्रूट, कुछ घर पे लेके जाने थे इसलिए हमने फ्रूट भी ले लिए, और ये लिए हमने किन्नू। हे गाइस, अभी हम घर आ चुके हैं, घर आ करके सारा सामान उधर दिखाया था, मम्मी को जलेबियाँ पकौड़े दिए थे खाने के लिए, अभी मैं आई हूँ इधर और अभी खाना बनाना है तो वो बनाऊँगी। और ये देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, कह रही हूँ ये देखिए, ये मैं पर्स लेकर आई हूँ, स्पेशली मुझे ये चाहिए था, क्योंकि इसका ये वाला है जो
इसकी वजह से मैं इसे लेकर आई हूँ ताकि मैं इसे यहाँ डाल सकूँ और डाल करके यहाँ इसे रख सकूँ इसे, क्योंकि ये अगर आप कहीं जाते हो बाहर बाजार वगैरह जाते हो तो कैरी करना आसान हो जाता है। फ़ोन वगैरह इसमें डाल करके अपने कुछ आप इसे कैरी कर सकते हो, तो बस इसीलिए लेकर आई थी। ये मुझे 100 रुपए का पड़ा, रंग तो महंगा रहा है लेकिन फिर भी मैं ले आई। डिज़ाइन कुछ खास दिखी नहीं मुझे, वहाँ एक डिज़ाइन पसंद आया था लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा था, तो बस इसीलिए मैंने ये ले लिया। तो देखिए गाइज, ये मैंने आज चूड़ियाँ पहनी थी, ये मेरे कड़े हैं, मेरा एक चूड़ा सेट है उसमें से मैंने निकाल करके मतलब अलग अलग मैंने दो दो ऐसे डाले थे। यहाँ तक तो मेरे थी मतलब स्वेटर, तो आगे थोड़ा सा दिखना था तो मैंने ये बस सिंपल सा डाल लिया, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये देखिए, ये मैं आपको मेरा पर्स दिखा रही थी, इसमें एक छोटी सी पॉकेट यहाँ दी गई है, इसमें आप अपना कोई मतलब रुमाल वगैरह डाल सकते हो, बच्चे का कोई सामान डालना तो वो भी डाल सकते हो। और इसके अंदर है दो पॉकेट, एक यहाँ पर है जिसमें देखिए मैंने कैरी किया हुआ है सामान, और इस एक ये पैक पॉकेट है, ये मैं लेकर आई थी एक अपनी बेटी के लिए। जो इरेजर है बहुत ही सुंदर है, और एक देखिए ये लेकर आई हूँ मैं पाजेब, ये मैंने लेकर आई, मेरी ननद है उन्होंने लिए थी अपने लिए, तो उन्होंने मेरे लिए भी ले ली, तो उन्होंने तो पहन ली है, मैं पहनूंगी और बस कुछ नहीं। बाकी इसमें मेरा रुमाल है और कुछ नहीं है, एक मेरा ये पर्स छोटा था जिसमें मैं कैश वगैरह कैरी करती हूँ, तो बस ये था। इसके बाद राघव ये एक त्रिशूल लेकर आया है, और एक ये वाले सिटी लेकर आया है, और एक ये है जो बबल्स क्रिएट करता है वो है, और एक ये है तलवार, ये जलती भी है, और एक ये पेन, पता नहीं इसको क्या पसंद आया, मुझे इसका भी कुछ पता नहीं है। एक ये लाया है, ये क्ले है, इसके अंदर ये वाला कुछ है, इससे बनाते हैं। और ये देखिए अलग अलग कलर्स में है, सुंदर। और भी है कुछ चीज़ें जो हम आपको कल दिखाएंगे। इसके बाद गाइज मैं ये लेकर आई हूँ राघव के लिए गुल्लक, जिसमें हम राघव के लिए जो भी कैश मैं रखूंगी ज्यादातर सेव करूंगी, तो सबसे पहले आज मैं डाल रही हूँ इसमें ये 100 रुपए। मेरा बहुत अरमान था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, बहुत बार मैं गई लेकिन मैं जाती हूँ तो मैं पैसे नहीं लेके जाती, तो मुझे लिया नहीं जाता, ये सिर्फ 20 रुपए का आया और बहुत ही सुंदर है, काफ़ी बड़ा भी है, तो ये मैं सेव करूँगी इसमें राघव के रुपीज। ये देखो छोटू का। तो गाइस अभी मैं खाना वाना बनाऊंगी और बस बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। मेरा जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज मेले में जाऊंगी, मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया था, तो बिल्कुल मैं नॉर्मल रूटीन था मेरा। दीदी जाने का तैयारी कर रही थी कि मुझे जाना है, तो उन्होंने बोला कि उनके साथ कोई जाने वाला नहीं था क्योंकि बेबी है, तो मम्मी को साथ में नहीं लेके जा सकते, तो उनको भी मतलब कोई साथ में था नहीं, उनके हस्बैंड भी कल चले गए थे, तो फिर वो कभी इधर कभी उधर सबसे पूछ लिया, पड़ोस में इधर उधर सबसे पूछ लिया, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा था, तो मुझे मन में ऐसा हुआ क्योंकि फौजी साहब बोलते रहते हैं कि लड़कियां आती है तब उनको उनके साथ जाया करो, उनके साथ मतलब घूम के आया करो ये वो, तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं भी चली लेती हूँ। तो फिर मैंने दीदी से पूछा कि क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर राघव मतलब स्कूल गया था सुबह, तो वो 3 बजे आता है, तो उसको वेट किया हमने, 3 बजे तक हम रुके, फिर हमने 3 बजे चाय वगैरह बनाई, फिर हम गए थे बाजार मतलब मेले में घूमने के लिए। तो हम अमूमन 4 बजे यहाँ से निकले होंगे, और अभी 6:30 बज चुके हैं, टाइम हुआ है 6:30 हम घर आए थे, अभी 7 बज चुके हैं। अभी हमने मतलब पकोड़े वगैरह लाए थे, वो हमने खा लिए हैं, राघव को मैंने चेंज वगैरह करवा दिया है, मैंने अभी वही सूट पहना हुआ है, मैं अभी चेंज करूँगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी, फटाफट मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि राघव को भी जल्दी सुलाना है, सुबह उसका स्कूल है, तो बस इसीलिए। तो बाकी कुछ एक दो सामान बचा है वो मैं आपको हो सकता है आज के व्लॉग में दिखा दूँ, नहीं तो कल के व्लॉग में दिखाऊँगी। और हाँ, हमारे एक वीडियो है, हमारा शॉर्ट वीडियो है, मेरा और मेरे हस्बैंड का साथ में था, कलर्स होली का हमने वीडियो शूट किया था, एक मतलब उन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाई थी अपने एक
होली के एक सॉन्ग, होली पर एक उनका सॉन्ग आ रहा है उसका गेटअप लेकर के, उन्होंने फोटो क्लिक करवाई थी। मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैंने उस दिन राजस्थानी पोशाक पहनी थी, मैंने भी उनके साथ एक फोटो करवाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा उनके साथ वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो उस वीडियो पर आज 7,000 व्यूज क्रॉस हुए हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो पर, इतना मेरे चैनल के कोई भी शॉर्ट पर नहीं हुए। तो आज जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसके लिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। तो बस गाइज, यही था हमारा ब्लॉग, थोड़ा बहुत ही बन पाया, जितना बन पाया, जितना दिखा पाया मैंने आपको दिखाया, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं नहीं दिखा पा रही थी सब चीज़ें। तो बस मुझसे इतना ही हो पाया, तो जितना भी था जो था मैंने आपको दिखाया। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। थैंक यू।